12 दिन में 12 रूप करता है। ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है? 12 दिन में 12 रूप करता है, वही है ये पूरे पार्टी, वही है। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। आई उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल कहाँ से? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा सा। जो रोजगार है उसको भी खत्म किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में जितना रोजगार इस देश से खत्म किया गया है, उतना आजादी के बाद से आज तक नहीं खत्म किया गया। हमने रोजगार कहाँ दिया नहीं बताया, इसलिए कुछ लेखा जोखा है ये नहीं है, सब बही खाता सब साफ है, खाली है बही खाता। तो क्या बोलेंगे? तो कभी कहेंगे चिता लाए, कभी कहेंगे राम मंदिर बनवाएंगे, टीवी अगर खोलिएगा तो सुबह में कहाँ शिवलिंग निकल गया, कहाँ विष्णु भगवान का मंदिर निकल गया, कहाँ कुछ निकल गया। जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं? बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है? 12 दिन में 12 रूप करता है, वही है। भारतीय जनता पार्टी को तो वहां से गाइड करता है आरएसएस, तो ये उनके जो गाइड करने वाले जो कंट्रोल टावर हैं, वहां से ये खबर चला कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार की जरूरत है। पूरे देश में कहीं है क्या अति पिछड़ा वर्ग? नहीं, बिहार में। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.